हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। ये ताकत मोदी की नहीं, ये ताकत आपके एक वोट की है। हमने 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के एमपी चुन करके आप भेजें, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं विकसित बंगाल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं, बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना।
एक ही हथियार एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना, एटा एटा जरा जोर से बोलिए एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई, टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना। हम देश के हर महिला को उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं। बंगाल सरकार लाखों एप्लीकेशन लटकाए हुए हैं। टीएमसी का कहना है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना। मोदी ने हर गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी। अब हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को बीमारी में मुफ्त इलाज देंगे। लेकिन टीएमसी बंगाल में आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दे रही है। टीएमसी कह रही है एटा 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 होते देवो ना। साथियों, टीएमसी की जीत का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों फिशरमैन को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मत्स्य पालकों को, फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। यहां रायदीगी में हमने फिश कल्चर सेंटर दिया। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया। लेकिन टीएमसी सरकार का यहां भी वही रवैया, एटा 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 होते देवो ना। टीएमसी बंगाल में फिशिंग से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है। इससे फिशरमैन को इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है, बीमा नहीं मिल रहा है। लेकिन टीएमसी वालों को आपकी चिंता नहीं है, इनको तो अपने तोलाबाजों और कट मनी सिस्टम से मतलब है। ऐसी टीएमसी को जरा मुझे पूरी ताकत से बता दीजिए, देश पूरा आपको देख रहा है। क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा देंगे? आप टीएमसी को सजा देंगे? कड़े से कड़ी सजा देंगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया कर देंगे? साथियों, इस क्षेत्र में नदी कटान रोकने के लिए हमारी सरकार पैसे भेजती है। वो पैसा टीएमसी खा गई। इनका एक ही एजेंडा है, इनको हर चीज में काट मानी चाहिए। इनको तो
काटमानी चाहिए। गरीबों के राशन में, पीएम आवास में, यहां तक कि बच्चों के मिड डे मील तक में काटमानी चाहिए, काटमानी चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल के लोगों से इतनी चिढ़ी हुई है, टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही है।